वाराणसी शहर के दुर्गाकुंड से रविंद्रपुरी कॉलोनी को जाने वाले मार्ग के बीच में नालियों की नियमित साफ सफाई न होने के कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय। ये नाली की समस्या आपके बस्ती में कब से है? ये समस्या मतलब 20 साल से है। हम लोग के बाहर बैठने में तकलीफ हो रहा है, कोई ऐसा हवा पानी नहीं लग रहा है, हमेशा घर में बच्चे लेके रहे, यही गंदगी से हम लोग के मतलब बीमारी फैल रहा है। हम लोग बहुत किए हैं, बहुत जने आते हैं, खाली लिख लिख के ले जाते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। बस्ती में आबादी बहुत से मतलब 1500। हम चाहते हैं कि हमारा बस्ती मतलब अच्छा हो जाए, सुरक्षित हो जाए। इस गंदगी से आपको क्या समस्या हो रही है? सांस लेना दुर्लभ हो गया है, एकदम 24 घंटा खुले में शौच करते हैं ये लोग, दिन भर गंदगी रहती है। नाली उस साइड बना हुआ है, नाली में कूड़ा फेंके हैं, नाली जाम है जो है। नगर निगम में एप्लीकेशन दिया, यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं वो आते हैं, उनसे बोला जाता है तो वो बोलते हैं हम क्या करें, जो है ये 24 घंटा करते हैं तो कहाँ से मना करेंगे। मना हम लोग के मना करने पर भी नहीं मानते हैं लोग। तो आप चाहते क्या? यहाँ सफाई हो जाए और पूरी बाउंड्री खड़ी हो जाए, गंदगी अंदर रहे, या अंदर शौच बनवा दिया जाए इन लोग के लिए। हम चाहते हैं कि अच्छी सफाई हो, स्वास्थ्य यहाँ बच्चे लोग के अच्छे रहें, जनता यहाँ का मतलब सही रहें। लेकिन ये हरजन बस्ती की वजह से कुछ बच्चे लोग बाहर निकल कर लैट्रिन कर देते हैं, इसके दरमियान जो है काफ़ी गंदगी रहती है। हम कितना काम कराएंगे, सफाई कर्मचारी की संख्या कम है। हम चाहते हैं कि ये जितनी ये हरजन बस्ती के जितना यहाँ घर है, आवास है, वो लोग अपने घर घर लैट्रिन बना लें, तो जिसे बच्चे लोग बाहर न बाथरूम करें। कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसके कारण से भी ये स्थिति। यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ की आबादी जनसंख्या हमारे ख्याल से 300 घर होगा। मैं चाहती हूँ कि इस मोहल्ले की नियमित साफ सफाई हो, जिससे इन लोगों की परेशानियाँ दूर हो सके। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारा अपील है कि बनारस के जिला अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417579 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनकी परेशानियाँ दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।